जिंदगी से डरते हो, जिंदगी तो तुम भी हो, जिंदगी तो हम भी हैं। आदमी से डरते हो, आदमी तो तुम भी हो, आदमी तो हम भी हैं। अनकही से डरते हो, जो अभी नहीं आई उस घड़ी से डरते हो, उस घड़ी की आमद की आगाही से डरते हो, मतलब रोशनी से डरते हो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर ऑफिस से होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों पे खुश व खुरम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। ये व्यूअर्स, हमारे जो इस्लामिक अपना कल्चर है उसके हिसाब से कुछ लाइन्स हैं, वो मैं आपसे भी शेयर कर रहा हूँ कि ज़िंदगी उस अजान से शुरू होती है जिसकी नमाज नहीं होती। ज़िंदगी उस अजान से शुरू होती है जिसकी नमाज नहीं होती, और उस नमाज के साथ ख़त्म होती है जिसकी अजान नहीं होती। अब मैं आपको थोड़ी सी इसकी डिटेल में मीनिंग समझाता हूँ। जब हम पैदा होते हैं तो हमारे कान में अजान दी जाती है, ठीक है, और उससे हमारी ज़िंदगी की शुरुआत हो जाती है। कान में अजान देते हैं, फिर जब हम इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं और चले जाते हैं इस दुनिया से, तो हमारी अजान नहीं होती है, हाँ हमारी नमाज होती है, जनाज़े नमाज़ा होती है हमारी। तो इसी सिलसिले से आज रिलेटेड एक टॉपिक है, बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, सितारा सिस्टर के मुतालिक, क्योंकि काफ़ी घंटे गुजर चुके हैं। अभी मेरे पास काफ़ी इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आ रहे हैं, काफ़ी मेरे पास समझ लें यूट्यूब के ऊपर जो मेरा लास्ट वीडियो थी मेरी, उसके अंदर कमेंट्स के अंदर काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि कदीर भाई हमें बताएं ये क्या चक्कर है, और एकदम से जो है ख़बर आई है एक जगह से नहीं काफ़ी जगहों से। उसमें से एक तो अता भाई हमारे बहुत ही अच्छे प्यारे दोस्त हैं, उनके लिए भी बोला गया कि उन्होंने भी अपने व्लॉग में बोला है कुछ लेडीज़ रिएक्शनिस्ट हैं, ठीक है। एक रिएक्शनिस्ट तो ऐसी है हमारी बहन जिन्होंने अता भाई की तस्वीर भी लगाई है, तो काफ़ी सारी मतलब ऐसी न्यूज़ चल रही थी, उनको देखते हुए मैं भी परेशान हो गया। मैंने कहा यार अल्लाह खैर करे क्या है, सबसे पहले मैंने अता भाई की वीडियो देखी, फिर मैंने दूसरों की वीडियो देखी। तो कहने का मकसद ये है कि उसके बाद फिर रिज़ल्ट यही मुझे समझ में आया कि भाई परेशानी वाली बात नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है। हाँ कुछ ऐसे होते हैं इंसान की ज़िंदगी में मामला जिनसे शकूक व शुबात खतरात होते हैं, वो क्या हैं अभी हम आपसे डिटेल से बात करेंगे। इनकी सितारा सिस्टर की क्या दुश्मनी है किसी से, कोई इनको क्यों नुकसान पहुंचाना चाहता है, क्या मामलात हैं, ये सारी आज डिटेल से बात करेंगे। थोड़ा सा टाइम लेंगे आपका, मगर आपको डिटेल से ये सारी चीज़ें समझाएँगे इंशाल्लाह ताला। आगे से जब भी आप ऐसी कोई ख़बर सुने तो उसमें परेशान ना हो, कम से कम आपको पता होना चाहिए कि देखें ये YT की एक दुनिया है, इस पर पल में कुछ खबर आती है, पल में कुछ खबर आती है। तो थोड़ा सा अपने इमोशंस पे आप कंट्रोल भी रख सकें और ताकि आप आइंदा के लिए मोहतात भी हो सकें। तो चलते हैं इस टॉपिक के ऊपर कि भाई सितारा सिस्टर को किससे खतरा आते हैं, उनकी ज़िंदगी को कैसे ख़तरा है, और किसने उनको जान से मारने की धमकी दी है, कौन उनको कोई जहर देना चाहता है, ये सारी डिटेल से बात करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो देखिए मैं आपसे फिर वही बात कहूँगा कि अल्लाह ने जब जिसको ज़िंदगी देनी है ना, किसी का बाप भी उसको कुछ नहीं कर सकता। मेरे रब ने अगर उसकी ज़िंदगी लिखी हुई है अपनी कहते हैं ना तकदीर में, अगर ज़िंदगी लिखी हुई है तो किसी का बाप भी उसका बाल भीगा नहीं कर सकता। हाँ अगर कुदरत की तरफ से ही ज़िंदगी नहीं है तो इंसान क्या कर सकता है। आप मेरी मिसाल ले लें, मेरे वालदेन का इंतकाल हो चुका है, मेरे वालिद साहब का, मेरी वालदा का, अगर मेरे बस में होता तो मैं उन दोनों को जाने देता। दुनिया की सबसे कहते हैं ना कि बड़ी हस्तियां होती हैं, माँ बाप की एक शफ़क़त होती है, एक प्यार होता है, अगर इंसान के अगर बस में हो तो कभी अपने सगे वालदेन को इस दुनिया से जाने दे। तो एक मिसाल दे रहा हूँ, देखिए ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, ठीक है, अगर आप मेरी बात से एग्री करें, आप माशाल्लाह खुद समझदार हैं। ज़िंदगी कहते हैं बेवफा होती है, क्योंकि एक दिन आने का एक दिन जाने का मुकर्रर है। तो बाकी जो आप ये बातें सुनते हैं उसकी थोड़ी गहराई में जाया करें। जो पुराने देखने वाले सितारा सिस्टर के वो तो माशाल्लाह समझदार हैं, अब जो नए हैं जो काफ़ी परेशान हो जाते हैं उनको कुछ बातें बताते हैं। देखें अता भाई मुझसे ज़्यादा पहले उनके जो है ना करीब हैं, आते जाते हैं उनके घर में, वो बेचारे सादा दिल हैं, ठीक है, सादा तबीयत के मालिक हैं। मैं अगर उनको पर्सनली भी किसी चीज़ को सीरियस होकर उनको बताऊँगा ना तो वो सच समझ जाएंगे, ठीक। अगर आप उसकी बात को सुनते हुए आप ये समझ रहे हैं कि अता भाई आपसे गलत बात कर रहा था या वो आपके इमोशन से खेल रहा था, तो ऐसी कोई बात नहीं, वो नरम दिल इंसान है, उसको जहाँ से जो खबर पड़ती है वो बेचारा बोल देता है बगैर किसी को बताए, बगैर किसी, क्योंकि वो उस फैमिली से ज़्यादा अटैच है, उनकी ज़्यादा केयर करता है। तो कहने का मकसद है उन्होंने जो खबर सुनी, अपने दिल के इमोशंस थे, उन्होंने अपनी वीडियो में बता दी।
रहा सवाल, मैं दूसरी रिएक्शनिस्ट का बात कर रहा हूँ, जो दूसरी बहनें हैं ना, उनके पास कोई ऐसी खबर है ना, वो सितारा सिस्टर से अटैच हैं ना, उनसे मिलती हैं ना, उनसे बात करती हैं ना, उनका मतलब कुछ दिनों के बाद या महीने के बाद या हफ्ते के बाद कोई कांटेक्ट होता है, तो वो कैसे ये खबर ब्रेक करती हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता। या तो बस यही देखा देखी में करती हैं कि किसी ने बस वहाँ से बोल दिया, वो उनके घर के बंदा है, तो बस उसी की बात को पकड़ते हैं और अपनी स्टोरी बना देते हैं। तो इस तरह नहीं करें, क्योंकि देखिए मैं आपको एज अ भाई यही बात गाइड करूंगा कि इससे जो उनके सपोर्टर्स हैं उनमें परेशानी आ जाती है, वो बेचारे अपने जो है एक मतलब उनकी जो लिमिट होती है वो ख़त्म हो जाती है। भाई एकदम से चलते चलते वो अच्छी खासी ज़िंदगी अपनी ट्रिप पे गुजार रही थी, ऐसा क्या हो गया कि एकदम से ये खबर आ गई है बीच में। तो इंसान साइकोलॉजिकली उनका दिमाग दूसरी तरफ चला जाता है, वो ऑटोमेटिकली परेशानी की तरफ चले जाते हैं कि चलो यार किसी अपने ने एक ने बात कर दी, अब उसके बाद मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से ये खबर आ रही है, मतलब इसमें कोई ना कोई चीज़ है, तभी तो बार बार ये खबर चल रही है। तो ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब ये खबर अगर सितारा सिस्टर तक भी जाएगी तो वो जाहिर सी बात है बहुत परेशान हो जाएंगी। तो सबसे पहली बात ये देखें, ज़िंदगी में हर बंदे के खतरा आते हैं, मेरी भी हैं आपकी भी हैं, कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी न किसी के सामने आ जाता है और उसके ज़िंदगी में खतरात होते हैं। बहरहाल शॉर्ट बात करेंगे सितारा सिस्टर की, जैसे अता भाई ने कहा, मैं भी आपसे वही कहूँगा कि कोई और दुश्मन नहीं, अपनों में ही बहुत ज़्यादा उनके दुश्मन हैं। अभी जो इस वक्त करंट सिचुएशन है वो सबसे दूर है, अपनी अच्छी ज़िंदगी, अच्छी लाइफ, अच्छी आबो हवा में अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं, उनकी ज़िंदगी को कोई ख़तरा नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। कुछ दिन पहले भी कांटेक्ट हुआ था, वो अपनी एंजॉय कर रही हैं ज़िंदगी, अपनी वालिदा उनके साथ है और फैमिली बच्चे सब साथ हैं, माशाल्लाह एंजॉय कर रहे हैं। काफ़ी अरसे से मतलब वो इस तरह प्लान कर रहे थे, अभी वो गए हैं तो वो हंस खेल रहे हैं, उनको वो एंजॉय करने दिया जाए। बाकी ये जो खबरें हैं, देखें मैं इनमें सिर्फ इतनी सी बात करता हूँ कि देखें सबसे ज़्यादा अपने ही खून के प्यासे होते हैं, बाकी सबको आप छोड़ दें, हम किसी का नाम भी नहीं लेते, किसी के दिल की दिल आज़ारी भी नहीं करते हम किसी की भी, सिर्फ इतना आपको बोलते हैं कि देखें आप खुद व्यूअर्स जजमेंट करने वाले हैं, आप देखने वाले हैं कि इसमें क्या खबरें हैं, क्या नहीं हैं, क्या सच्चाइयाँ हैं, क्या चीज़ें हैं। वक्त आने पे उनके आपको सबके चेहरे भी सामने नजर आएंगे। कहते हैं ना वक्त सब बोलता है, तो ये एग्रेसिव पना होता है किसी का, वो आप खुद देखेंगे, वो सितारा सिस्टर के खिलाफ खुद आके बोलेंगे, खुद सामने आएंगे, खुद ऐसी ऐसी बातें कहेंगे कि आप खुद समझ जाएंगे कि यार सबसे ज़्यादा इनके यही जान के दुश्मन है। तो ये चीज़ें हैं, बाकी कोई ऐसी बात नहीं है, बाकी कोई ऐसी खबर भी नहीं है, परेशानी वाली बात भी नहीं है। जिन्होंने मुझसे रابطہ किया कि ये इस तरह है, तो मैं उनको तसल्ली देना चाहता हूँ कि भाई ऐसी कोई खबर नहीं है, ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बस बातें हैं, कहीं कहीं से भनक उठती है तो किसी तक पहुँच जाती है, बाकी कोई ऐसी बात नहीं है। ज़िंदगी मौत फिर मैं कहता हूँ अल्लाह के हाथ में, परेशान होने की बात नहीं है, अल्लाह ताला सबको खैर व आफियत का मामला करे। फिर मैं दो लाइनें पढ़ूंगा यहाँ पे, मैंने कुछ दिन पहले भी आपसे वो लाइनें शेयर की थी, खुदा जिसकी हिफाजत की हया जब ठान लेता है तो फिर मकड़ी के जालों की वो चादर तान देता है। अगर वो ज़िंदगी लिख दे समंदर राह देगा, अगर वो ज़िंदगी लिख दे समंदर राह देगा, अगर वो मौत लिख दे तो फिर मच्छर भी जान लेता है, एक मच्छर भी जान ले लेता है। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं। उम्मीद करता हूं कि अब आप रिलैक्स हो गए होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है परेशानी वाली। अल्लाह ताला आप सबको भी यूँ ही खुश खुर्रम रखे और अपनी अपनी ज़िंदगियों में आपको भी आसानी अता फरमाए। इसी के साथ इस वीडियो को करेंगे यहीं पर एंड, और कल आपके साथ फिर एक वीडियो में मुलाकात होगी। आज इस वीडियो को मुझे बनाना कुछ और था, मगर आपकी मैसेजेस और आपकी मोहब्बत की वजह से मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी। तो खैर अल्लाह ताला सबके लिए खैर आफियत का मामला करे। नए देखने वाले जितने भी सितारा सिस्टर के सपोर्टर हैं और जो मेरी डेली बेसिस पे वीडियो देखते हैं, उन सबका भाई एक दफ़ा फिर मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा। और नए देखने वालों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई अगर चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो में फिर कल आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।